दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे जानवर से जिसको शायद आप जानते होंगे, पर पहली बार आप इस जानवर को अच्छे से जान पाओगे। ये जानवर का खूंखारपन आपको हैरान कर देगा। ये जानवर और कोई नहीं, नदियों में रहने वाले जायंट ऑटर हैं। आपने सुना और देखा होगा कि पिराना मछली, मगरमच्छ और हिप्पो जैसे जानवर किलर मशीन हैं, लेकिन क्या आपने ऑटर के बारे में सुना है? क्या ये जानवर इतना खतरनाक हो सकता है कि एक जैगवार को भी भगा सके? ऑटर रहते हैं ग्रुप बनाकर, इनका पूरा एक परिवार होता है। परिवार नहीं नहीं, हमको इनको एक गैंग कहकर बुलाना चाहिए। ये है गैंग की तरह हैं। हर एक गैंग का एक लीडर होता है, जो कि एक मादा ऑटर होती है। ये पूरे गैंग को आदेश देती है, जिसका पालन पूरे गैंग को करना पड़ता है। ये अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को मारने की क्षमता रखते हैं। जरा इस ऑटर को देखिए, मतलब क्या चल रहा है। इसे इन खतरनाक मगरमच्छों का बिल्कुल भी डर नहीं है। किसी भी जानवर को मिनटों में चट कर जाने वाले ये मगरमच्छ ऑटर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या आपने इन मगरमच्छों के दांत देखे, कितने खतरनाक हैं। खून के प्यासे ये मगरमच्छ चाहे तो सिर्फ एक झटके में इस ऑटर को मार सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इस पर हमला नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर ऑटर का ग्रुप बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा और फिर ये होगा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। चारों ओर शोर शराबा और मगरमच्छों की खैर नहीं। पहली बात तो मगरमच्छों को पता होता है कि ऑटर कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, उनकी गैंग आसपास होती है, और अगर गैंग के किसी मेंबर पर ऐसे हमला होता है तो फिर उनकी खैर नहीं, ये ऑटर मार मार के दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जानवर क्या है और ये इतने खतरनाक कैसे हैं? ये सब बताऊंगा बाद में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको लाइक करने में केवल एक सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस जानवर के बारे में। वैसे तो ऑटर पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में, और ये रहते हैं नदी, तालाबों और समुद्रों में। ये बहुत फुर्तीले और बहुत तेज तैराक भी होते हैं। लेकिन जिन माफिया ऑटर की बात हम कर रहे हैं, वह पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के ब्राजील देश में। इन्हें जायंट ऑटर के नाम से जाना जाता है। ये 30 किलो वजनी और 1.8 मीटर लंबाई वाले ये जानवर, जब भी ये पानी में नीचे जाते हैं, ये अपने नाक और कानों को बंद कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा तेज सूंघने की क्षमता और चूहे की तरह तेजी से कुतर देने वाले दांत और 80 PSI बाइट फोर्स इस जानवर को इतना खतरनाक बनाता है। इनके ग्रुप में लगभग 30 ऑटर तक होते हैं। इनके शिकार वे जानवर बनते हैं जो भी इनके रास्ते में आते हैं। मछली इनका मुख्य शिकार है, केकड़े भी इनका आसान शिकार है, एनाकोंडा और मगरमच्छ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अकेले दुकेले और झुंड में शिकार करते हैं। ये निडर जानवर है और अपने शिकार पर हर तरफ से हमला करते हैं, और फिर इनके ताकतवर जबड़ों से कोई नहीं बच सकता। ये शिकार के ऊपर सबसे पहले हमला करते हैं और फिर वहीं से खाना शुरू कर देते हैं। ऑटर अपने बच्चों को पानी में तैरता छोड़कर लगभग 15 मिनट तक पानी के अंदर शिकार करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये वीडियो जो कुछ साल पहले आई थी, इसमें ऑटर ने एक बंदर को पकड़ा है और बंदर का दूसरा साथी उसे छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये कोशिश यहाँ बेकार जाएगी, क्योंकि इनके चंगुल से बचना एकदम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन्होंने मगरमच्छों को मारा है, एनाकोंडा को मारा है, और हाँ, जैगुआर को मारने का कोई वीडियो तो मुझे नहीं मिला, पर जैगुआर को इन्होंने डराकर भगा दिया है। इस वीडियो के बाद मेरा तो इतना ही कहना है कि आपको इस तरीके के जानवर से दूर ही रहना चाहिए। वैसे ये आपकी मर्जी है, लेकिन जानवरों के साथ जो भी करिए, सोच समझ कर करिए, कहीं सेल्फी लेने के चक्कर में आपकी मौत के सवाल ना पैदा हो जाए। दोस्तों, जरा बच के। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। अगर आप सच में सब्सक्राइब किए बिना चले जाओगे तो मेरी मेहनत खराब हो जाएगी और आपका सपोर्ट मुझे कैसे मिल पाएगा। इसीलिए प्लीज दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमारे धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मौजूद पेड़ इतने लंबे और घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने नहीं देते, और जब भी यहाँ कभी बारिश होती है तो उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँचने में। इसके अलावा भी यहाँ पर अक्सर लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो इंसान की समझ से एकदम परे है। रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान अमेजॉन के जंगल से ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं अमेजॉन में छुपे कुछ ऐसे ही रहस्य पर जिन्हें लोगों द्वारा जाने अनजाने में ढूंढ लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, आपको लाइक करने में केवल 1 सेकंड लगेगा। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। बॉइलिंग रिवर। धरती पर मौजूद नदी ठीक वैसे ही है जैसे शरीर में बहने वाला खून। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन अमेजॉन के जंगलों में खोजी गई इस नदी को धरती का नर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफी दर्दनाक मौत मिलती है। एंड्रे सुजो नाम के इस जियो साइंटिस्ट को बचपन में इनके दादा एक ऐसी जानलेवा नदी के बारे में बताया करते थे जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था। फिर बड़े होने के बाद इन्होंने नदी को ढूंढ निकालने का फैसला किया। पहले तो सबको उनकी बातें मनगढ़ंत लगने लगी और किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया। लेकिन 2011 में एंडरसन ने इस नदी को ढूंढकर अपने साथियों को हैरान कर डाला। उनका कहना है कि इस नदी का तापमान पूरा साल 80 से 100 डिग्री तक रहता है, जो कि इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज इसमें गिरते ही मिनटों के अंदर राख में तब्दील हो जाती है। वैसे तो ऐसा तब होता है जब किसी नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नदी के दूर दूर तक ऐसा कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं। रिसर्चर्स इस बात से भी हैरान हैं क्योंकि इस नदी के अलावा धरती के किसी कोने पर ऐसी कोई नदी देखी ही नहीं गई, और वैज्ञानिक नजरिए से तो ये मुमकिन ही नहीं है। अननोन बर्ड। इस पक्षी को हाल ही में अमेजॉन के जंगलों में ढूंढा गया है। अब आप पूछेंगे ये कौन सा पक्षी है, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। तो यही तो खासियत है इस पक्षी की, ये खुद को छुपाने की कला में बड़ा माहिर है। इस बर्ड को जाना जाता है पोटू के नाम से, जिसे आज तक बहुत ही कम लोगों द्वारा देखा गया है, क्योंकि ये रात के समय में ही निकलना पसंद करते हैं और सारा दिन ऐसे ही किसी टहनी के ऊपर बिना हिले डुले और पलक झपकाए कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इस पेड़ का कोई भाग ही हो। फिलहाल तो इस बर्ड के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी आंखें समय समय पर अपना रंग बदलती रहती हैं। जहां दिन में ये डार्क येलो होती हैं, वहीं रात आते आते ही इनका रंग ऑरेंज या रेड हो जाता है। इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है, जिसके लिए इनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि आराम से एक ही जगह पर बैठकर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं और फिर कीट पतंगे अपने आप इसके मुंह के अंदर चले जाते हैं। सिलखेंगे। अब एक नजर डालिए इस संरचना पर और जरा सोचिए कि ये आखिर है क्या। बीच में कॉटन के टावर के चारों तरफ एक बाड़ नुमा आकृति बनाई गई है, जैसे मानो यहाँ पर किसी चीज की रक्षा की जा रही हो। तो आपको बता दूं कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जीव का है। इस टावर के नीचे मकड़ियों के अंडे को छुपाकर रख दिया जाता है, जिसके बाहर एक बाड़ को इसलिए बना दिया गया है ताकि कोई और जीव इस तक पहुंच ना सके। हालांकि इन अंडों में से मकड़ियों को निकलते देखा गया है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है इस संरचना को बनाने का काम मकड़ियों का तो है ही नहीं, और ना तो कभी मकड़ियों को इस तरीके से अपने जाल से दूर अंडे देते देखा गया है। उनका शक है कि इसके पीछे कोई और ही जीव है जिसे आज तक देखा नहीं गया है। वैसे तो सिलखेंगे को पहली बार 2013 में खोजा गया था, लेकिन तब से अभी तक इसको बनाने वाले जीव का राज राज ही है।